नमस्कार मैं हूं आइए जानते के झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले ही दे सकेंगे जेटेट झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यार्थी के मामले में इसे शिथिल किया गया है इन्हें स्थानीय रीति रिवाज भाषा और परिवेश की जानकारी होनी अनिवार्य होगी वहीं समाज अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू और अंग्रेजी में बीस बीस प्रश्न निर्धारित किए गए हैं जबकि अढ़ाई घंटे की जगह अब तीन घंटे की परीक्षा होगी झारखंड शिक्षक पत्रता परीक्षा नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं गुरुवार को झारखंड कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है कैबिनेट में कुल तिरसठ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के अनुसार अब टेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी 2013 और 2016 के टेट के सर्टिफिकेट की भी यही मान्यता लागू रहेगी समाज अध्ययन में कॉमर्स को भी शामिल किया गया है लेखा शास्त्र एवं व्यापार अध्ययन को इसमें जोड़ा गया है मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए इस साल केंद्रों पर नहीं होगी परीक्षा झारखंड अकेडमी काउंसिल जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा गृह केंद्रों पर नहीं होगी यह परीक्षा जैक द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे स्कूलों के केंद्रों पर ली जाएगी हालांकि कोरोना को देखते हुए परीक्षा के केंद्र बढ़ाए जाएंगे अब वर्तमान निर्धारित केंद्रों से दोगुनी संख्या में केंद्र बनाए जाने की तैयारी है अब तक मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गृह केंद्रों पर ही परीक्षा लेना चाहता था विभाग के सचिव रायेश शर्मा की सोच भी यही थी लेकिन जैग को इसमें परेशानी हो रही थी जय के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर यह परेशानी बताई झारखंड के बहुसंख्य बिहारी सिर्फ वोट बैंक नहीं है मंच झारखंड के बहुसंख्य बिहारी सिर्फ वोट बैंक नहीं है भाषा विवाद में बिहारी के नाम पर लोगों को आपस में लाने और बेमानस उत्पन्न कराने की गतिविधि बंद नहीं होने पर आंदोलन होगा और ऐसे लोग को चिन्हित कर सबक सिखाई जाएगी इस मामले को लेकर आंदोलन भी चलाया जाएगा अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की गुरुवार को एचईसी के धुरवा लंका कॉलोनी में हुई बैठक में लोगों का गुस्सा फूटा स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने के लिए 12 मार्च को आक्रोश रैली स्थानीय नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर 12 मार्च को आक्रोश महारैली होगी इसमें झारखंड के कई जिलों से हजारों की संख्या में लोगों का जुटान रांची में होगा यह निर्णय गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में हुई बैठक में लिया गया इसका आयोजन आदिवासी मूलवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया इसकी अध्यक्षता डॉक्टर कर्मा उराव व संचालन अंतु तिर्की ने की बैठक में तीन सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए मोराबादी के दुकानदार एक बार फिर धरने पर बैठे दुकान ने खोलने की मांग को लेकर मोराबादी के दुकानदार एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं गुरुवार को मान्या पैलेस के पास धरने पर बैठे दुकानदारों ने निगम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम ने दुकानदारों को छल्ला है पहले आंदोलन खत्म करवाने के लिए जगह दी इसके बाद जब दुकान लगाने गए तो दुकान लगाने पर रोक लगा दी उन्होंने कहा कि पिछले चौदह दिनों से हम बेरोजगार बैठे हैं ठेला खोमोचा लगाकर हम लोग परिवार चलाते हैं रांची में महिला डीएसपी के साथ छेड़खानी सिपाहियों पर आरोप झारखंड के रांची में पदस्थापित एक महिला डीएसपी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है आरोप झारखंड पुलिस के आरक्षियों पर ही लगाया गया है डीएसपी ने दो नामजात समेत पंद्रह अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है केस दर्ज होने के बाद पुलिस मैंस एसोसिएशन ने महिला डीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इससे विवाद काफी गहरा गया छेड़खानी के इस मामले में पुलिस मैंस एसोसिएशन भी कूद पड़ा है एसोसिएशन का कहना है कि डीएसपी के साथ अगर छेड़खानी हुई है वे इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वरीय अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच करे निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाए रांची डीसी ने अंचला अधिकारियों का रोका वेतन रांची डीसी छवि रंजन ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के लंबित दाखिल खारिज की अद्यतन स्थिति भू अर्जन प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों भूमि सीमांकन आदि की विस्तार से समीक्षा की इस दौरान पीपीटी के माध्यम से सभी अंचलों के प्रदर्शन की जानकारी लेते हुए रिजेक्शन प्रतिशत अधिक रहने का कारण पूछा रिजेक्शन परसेंटेज अधिक होने के कारण कई सीओ के वेतन स्थगित करने और शो काज करने का निर्देश दिया सोशल मीडिया पर अफवाह और झूठी खबर पोस्ट करने के मामले में पंद्रह लोगों पर एफआईआर आई हाँ हजारीबाग सदर पुलिस ने भ्रामक व झूठा समाचार पोस्ट करने के मामले में पंद्रह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है इनमें लोह सिंघना थाना क्षेत्र के अरसद आलम इकराम निखिल कुमार विजय प्रसाद सुमन कुमार रोहिन कुमार आदित्य कुमार मनीष कुमार बबलू कुमार कटमदाग थाना क्षेत्र के मोहन कुमार जोगेंद्र कुमार मुफसिल थाना क्षेत्र के संजय यादव बड़कागांव थाना क्षेत्र के अनिल कुमार जुलू जुल्फी और इस्तियाक समेत सौ से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है झारखंड से होकर पहली बार बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी के पांडु गया मालवाहक जहाज एफ का 200 टन चावल लेकर लाल बहादुर शास्त्री कार्गो शिप पहली बार झारखंड के गंगा क्षेत्र से गुरुवार शाम करीब चार बजकर पंद्रह मिनट पर साहेबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह क्रॉस किया बंदरगाह समीप गंगा नदी में ही छोटा यात्री जहाज के जरिए ड्राइवर को लाल बहादुर शास्त्री जहाज में चढ़ाया गया लाल बहादुर शास्त्री कार्गो सीप एफ का दो सौ टन चावल लेकर पटना के गायघाट बंदरगाह से शनिवार को रवाना हुआ था जो लगभग तीन बजे झारखंड के बॉर्डर में एंट्री किया झारखंड में कोरोना के 318 नए मरीज मिले हैं जबकि तीन मरीज स्वस्थ भी हुए हैं झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या बाईस है भारत में तिरपन हज़ार नौ सौ नवासी नए केस मिले जबकि एक लाख पैंतालीस हज़ार तीन सौ ग्यारह मरीज स्वस्थ भी हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या छः लाख चौरानवे हज़ार आठ सौ नब्बे है